बाबू जो एसीसीएल और एनटीपीसी में बैठने वाले बच्चे हैं उनके लिए हम चैनल में फर्स्ट एड इन माइंड सीआईएल रिक्रूटमेंट प्लेलिस्ट वाइंडिंग इन साफ ऐसे करके बहुत सारे प्लेलिस्ट माइंडसेट माइंड रूल सीएमआर आइसोलेशन स्टाफिंग ऐसे बहुत सारे प्लेलिस्ट के माध्यम से आप लोग को मदद किए हैं। अभी जो एग्जाम का समय है हम सुपर फास्ट स्पीड में 4-5 गो वॉल्यूम निकालेंगे जो कि आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इनको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, टेस्ट सीरीज के रूप में देखिएगा, ठीक है। और जो हम बोलते हैं उसको देखिएगा, यहाँ क्या लिखा उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देने का, ठीक है। यहाँ कुछ ही लिखेंगे उससे बहुत ज्यादा हम बोलेंगे, ठीक है। मान लो मेरा एक ओपन कास्ट माइन है और उसके बगल से एक पब्लिक रोड गुजर रहा है, तो बताइए कि कितने मीटर दूर में वर्किंग को रोक दूंगा, मतलब उस पब्लिक रोड से मेरा वर्किंग कितना दूर रहना चाहिए, ठीक है। और ये बात सिर्फ ओपन कास्ट के लिए, चाहे ओपन कास्ट माइन हो चाहे अंडरग्राउंड माइन हो, सब के लिए लागू होता है। आपका रेगुलेशन 119 का सब रेगुलेशन एक क्या बोलता है, बड़ा प्यारे शब्द में उसको हिंदी अंग्रेजी दोनों समझेंगे, क्या बोलता है, नो वर्किंग शैल बी मेड और नो एक्सट्रैक्शन और रिडक्शन ऑफ पिलर शैल बी कंडक्टेड एट आर एक्सटेंडेड टू एनी पॉइंट विद इन 45 मीटर ऑफ एनी रेलवे पब्लिक रोड और बिल्डिंग आर अदर परमानेंट स्ट्रक्चर नॉट बिलोंगिंग टू द ओनर ऑफ द माइन विदाउट द परमिशन इन राइटिंग ऑफ द चीफ इंस्पेक्टर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एजी में स्पेसिफाइड देयरिन। क्या बोला, कुछ नो वर्किंग से भी मेड, मतलब डेवलपमेंट नहीं करना है आपको, चाहे अंडरग्राउंड हो चाहे ओपन कास्ट हो, नो वर्किंग से भी मेड, ये बोला। दूसरा बोलता नो स्ट्रक्चर रिडक्शन ऑफ पिलर, मतलब डिप्लरिंग, ना डेवलपमेंट करना है ना डिप्लरिंग करना है, कहां पे नहीं करना है, 45 कोई रेलवे रोड पब्लिक वर्क या कोई पब्लिक कोई बिल्डिंग है उसके 45 मीटर पर या 45 मीटर के अंदर आपको वर्किंग को एक्सटेंड नहीं करना है बोलता। यदि करना है तो क्या करना होगा, आपको चीफ इंस्पेक्टर माइंड से परमिशन लेना होगा, यही ना बोलता है, ठीक है। नो एक्सट्रैक्शन कहां चालू हुआ, नो वर्किंग शैल बी मेड और नो एक्सट्रैक्शन और रिडक्शन ऑफ पिलर शैल बी कंडक्टेड एट आर एक्सटेंडेड टू एनी पॉइंट विद इन 45 मीटर ऑफ एनी रेलवे पब्लिक रोड और बिल्डिंग और अदर परमानेंट स्ट्रक्चर नॉट बिलोंगिंग टू द ओनर ऑफ द माइन, जो कि ओनर ऑफ द माइन का नहीं है, विदाउट द परमिशन ऑफ चीफ इंस्पेक्टर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एजी में स्पेसिफाई दे रही। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि पब्लिक रोड बिल्डिंग रेलवे के 45 मीटर पर या उसके अंदर आपको वर्किंग नहीं करना है, डिप्लरिंग नहीं करना है, यदि करना है तो आपको डीजीएमएस से परमिशन लेना होगा, चीफ इंस्पेक्टर माइंड से परमिशन लेना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये रेगुलेशन 133 के सब रेगुलेशन 6 सीरियल, लेकिन इसको समझाने के लिए ये यहां ब्रैकेट में लिखा, इसको भी बताएंगे। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ कोल सिम के ऊपर, क्लासिफिकेशन ऑफ कोल सिम अकॉर्डिंग टू डेयर डिग्री ऑफ गैसिनेस, ठीक है। ठंडी का टाइम है, कुछ बोलने में दिक्कत हो रहा है, रात भी है। क्या बोलता है कि ओनर एजेंट और मैनेजर क्या करेंगे कि जो आप कोयला निकाल रहे, कोयला निकालेंगे तो गैस भी निकलता है, इनफॉर्मल गैस भी निकलता है, तो कितना गैस निकल रहा, रेट ऑफ इमिशन को आपको हर 30 दिन में एक बार डिटरमाइन करना है। यह बोलता है रेगुलेशन 133 ओनर एजेंट और मैनेजर शैल डिटरमाइन द रेट ऑफ इमिशन ऑफ इनफॉर्मल गैस इन क्यूबिक मीटर पर टन वंस इन एवरी 30 डेज, कितने दिन में, कितने दिन में करना है, 30 दिन में एक बार, मतलब
गैस निकलने की दर 30 दिन में एक बार निर्धारित की जाएगी ओनर एजेंट या मैनेजर के द्वारा, ठीक है। और परसेंटेज ऑफ इनफॉर्मल गैस, परसेंटेज ऑफ इनफॉर्मल गैस जो है वो रेगुलेशन 169 में जो तरीका दिया है उससे पता करेंगे। तो 169 में क्या तरीका दिया है, 169 का क्या नाम है, डिटरमिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ इनफॉर्मल गैस एंड ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन, दो चीजें, मतलब परसेंटेज को डिटरमाइन करना और इन्वायरमेंटल कंडीशन को डिटरमाइन करना, ठीक है। क्या दिया है इन जनरल, इन जनरल वहां क्या दिया है कि हर 7 दिन में एक बार, वंस इन एवरी 7 डेज परसेंटेज ऑफ इनफॉर्मल गैस को डिटरमाइन करना है। लेकिन यदि इनफॉर्मल गैस 0.8% से अधिक आ जाए तो एयर सैंपल के माध्यम से उसको नॉट एक्सीडिंग 24, नॉट एक्सीडिंग अवर्ड याद रखिएगा, नॉट मोर देन, नॉट एक्सीडिंग एक ही बात, नॉट एक्सीडिंग 24 आवर्स के इंटरवल पर एयर सैंपल लेना, और ऐसा तब तक करना है जब तक कि वो 0.8 से कम नहीं हो जाए, ठीक। उसके अलावा बोलता है कि यदि 0.6% से कम इनफॉर्मल गैस मिलता है एयर सैंपल से तो परसेंटेज ऑफ इनफॉर्मल गैस जो है आपको 30 दिन में एक बार लेना है। लेकिन यदि आपने वेंटिलेशन प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन किया है, अल्टरेशन कर दिया है, बदलाव कर दिया है वेंटिलेशन सिस्टम में, तो आपको परसेंटेज ऑफ इनफॉर्मल गैस विद इन 24 आवर्स में लेना है। कितना बोला, ये नॉट एक्सीडिंग मोर देन लेस देन, विद इन 24 घंटा के अंदर लेना है, ठीक है। और जो आप एयर सैंपल्स लेते हैं उसका एनालिसिस विद इन 3 डेज में करना है, ठीक है। और दूसरा क्या बोलता है, डिटरमिनेशन ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन में क्या आता है बेटा, कुछ नहीं आता है, टेम्परेचर रीडिंग लेना है, ह्यूमिडिटी का रीडिंग ले लेना है, और भी आपको उससे संबंधित जो इन्वायरमेंट से संबंधित, वातावरण से संबंधित, हवा के वातावरण संबंधित जो भी पैरामीटर आपको डिटरमाइन करना वो करना है 30 दिन में एक बार। कितने दिन में, इन्वायरमेंटल कंडीशन कितने दिन में असेस करना है, 30 दिन में एक बार, वंस इन एवरी 30 डेज, ये कहां लिखा, 169(2) में लिखा है। और यही टेम्परेचर रीडिंग एयर सैंपल लेने के लिए एक रेगुलेशन 123 के सब रेगुलेशन 2 के क्लॉज ई में भी बोला गया है। क्या बोला गया है, रेगुलेशन 153(2) के क्लॉज ई में क्या बोला गया है, एयर सैंपल्स एंड टेम्परेचर रीडिंग शैल बी टेकन वंस इन एवरी 30 डेज फॉर द कंप्लायंस ऑफ सब रेगुलेशन 2 ऑफ रेगुलेशन 153। रेगुलेशन 153 के सब रेगुलेशन 2 में ए बी सी डी में जो पैरामीटर्स दिए हैं उनका पालन करने के लिए सैंपल, एयर सैंपल्स और टेम्परेचर रीडिंग 30 दिन में एक बार लेना है, ऐसा बोलता है। तो ए बी सी डी में क्या दिया, कुछ नहीं दिया यार, ध्यान पूर्वक सुनिए मेरी बात। रेगुलेशन 153 के 2 के ए बी सी डी में 4 बात दिया, एक बात दिया है कि हवा का क्वांटिटी, वेलोसिटी नहीं, क्वांटिटी जो होता है बेटा, कभी भी कल एक क्वेश्चन पूछे थे बच्चा लोग, वेलोसिटी बता रहा था हमको, समझ आए, अरे क्वांटिटी होता है एरिया इनटू वेलोसिटी, और हम पहला ही ऑब्जेक्टिव में वेलोसिटी डाल के रखे थे, इमीडिएट आउट बाय वेंटिलेशन कनेक्शन फ्रॉम द फेस 30 मीटर पर मिनट, वो सबको मालूम है। तो हम वो पूछे थे, हम इसमें गैलरी का डायमेंशन दिए, डायमेंशन मतलब क्या है, लंबाई चौड़ाई को डायमेंशन ना बोलता है ये, ठीक है, और वाले क्यूब में होगा तो ऊंचाई भी जुड़ जाएगा डायमेंशन, तो यहां तो हमारा इसमें लंबाई चौड़ाई लेते हैं, गैलरी का ऊंचाई कितना, गैलरी का चौड़ाई कितना, वो दे दिया था। और हम पूछे थे कि कितना क्वांटिटी होगा, तो ठीक है, तो क्वांटिटी के बजाय लड़का लोग 160, मेरा वीडियो देखा अब दन्न से लिख दिया 30 मीटर पर मिनट, ऐसा था क्या, हम क्वांटिटी पूछे थे, वहां गैलरी का जो चौड़ाई और ऊंचाई दिया था उसको इंटू करना था, उसको वेलोसिटी से इंटू करना तब ना क्वांटिटी मिलता, ठीक। तो क्या दिया है, क्वांटिटी ऑफ द एयर दिया है 153 दो के ए में, कितना दिया है क्वांटिटी, दो हिसाब है, एक है मैन पावर का हिसाब,
और एक है प्रोडक्शन का हिसाब। मैन पावर के हिसाब से क्या बोलता है, नॉट लेस देन, याद रखिएगा ये वर्ड बड़े इसमें गड़बड़ाइएगा, नॉट लेस देन नॉट मोर देन ऐसा दे देगा, इसे क्या याद रखिएगा, नॉट लेस देन 6 क्यूबिक मीटर पर मिनट पर पर्सन ये बोलता है। और वो भी ये हवा जो है कहां के लिए, इन द लार्जेस्ट शिफ्ट, मतलब 3 शिफ्ट आपका होता है, तो जो शिफ्ट में सबसे ज्यादा आदमी है उसमें जितने आदमी है उसके प्रत्येक आदमी के पीछे हवा जो होगा नॉट लेस देन 6 क्यूबिक मीटर पर मिनट होना चाहिए, ठीक है ये बोल रहा। दूसरा बोलता आर बोलता या में क्या बोलता कि प्रोडक्शन के हिसाब से नॉट लेस देन 2.5 क्यूबिक मीटर पर मिनट ऑफ एयर पर डेली टन आउटपुट, डेली टन आउटपुट है। अब शिफ्ट में दे देगा, यदि कहीं कैलकुलेशन दिया तो उसको आप ये मान के चल लीजिए कि तीनों शिफ्ट में बराबर होगा, बराबर कभी नहीं होता लेकिन मान के चल लीजिए कैलकुलेशन पर्पज से। तो उसको एक शिफ्ट में 100 दिया तो 3 शिफ्ट में होगा 300 टन, अब 300 टन को 250 से इंटू कर देना, ठीक है। और इन दोनों हिसाब में से प्रोडक्शन के हिसाब से मैन पावर के हिसाब जो ज्यादा आएगा उसको आपको मानना है, ठीक है। बी में क्या दिया कि ऑक्सीजन का कितना, ऑक्सीजन हमारी प्राण वायु हो, मेरे नोज से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है। यदि इस नोज से हम कोल्ड डस्ट ले ले या कोई भी डस्ट ले ले तो न्यूमोकोसिस होता है, कोल्ड डस्ट लेंगे तो कोल्ड माइनस न्यूमोकोसिस होता है, सिलिका डस्ट लेंगे कोशिश होता है बीमारी होता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, वो अलग बात। ऑक्सीजन लेते हैं उसी से हम जिंदा रहते हैं, वो साइंस का चीज अभी यानी चर्चा करेंगे। तो ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, नॉट लेस देन 19%, कितना है नॉट लेस देन 19%, ये प्राण वायु इसलिए कम से कम इतना चाहिए बोलता। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कितना बोलता, नॉट मोर देन, क्योंकि खराब चीज है, खराब चीज ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 0.5, आधा परसेंट, 0.5 मतलब आधा परसेंट, उसमें कहीं इधर उधर जीरो मतलब 0.5, ठीक है 0.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए बोलता। सी में क्या बोलता है कि जो जनरल बॉडी ऑफ रिटर्न ईयर, जनरल बॉडी ऑफ एयर नहीं, जनरल बॉडी ऑफ एयर और जनरल बॉडी ऑफ रिटर्न ईयर अलग अलग चीज है। जनरल बॉडी ऑफ एयर बोला तो आपका डिस्ट्रिक्ट का हवा हो गया, और जनरल बॉडी ऑफ रिटर्न ईयर मतलब रिटर्न की हवा का जो सामान्य वातावरण हो जाएगा, तो अलग अलग बात। तो यहां क्या बोला वर्ड याद रखिएगा, जनरल बॉडी ऑफ रिटर्न ईयर में 0.75 मतलब 0.75% से ज्यादा इंफ्लुएंजा गैस नहीं चाहिए, और माइंड के किसी भी भाग में 1.25% से ज्यादा इंफ्लुएंजा गैस नहीं चाहिए। और आपका ये रेगुलेशन 169 कहीं लिख के रखा है, इसमें भी बोलता है कि इंफ्लुएंजा गैस यदि 1.25% से ज्यादा मिले, एक्सीड्स ज्यादा मिले, तो आपको बिजली काट देना है, सभी उपकरणों से केबल से मतलब बिजली काट देना है यार, ठीक। इसके अलावा डी में क्या बोलता है कि वेट बल्ब टेम्परेचर जो है 33.5 डिग्री से ज्यादा, 33.5 डिग्री सेल्सियस बोला कीजिए, डिग्री बोल दिया मतलब डिग्री सेल्सियस समझ लिया कीजिए, 33.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि जहां पर 30.5 डिग्री हो जाए, 30.5 डिग्री सेल्सियस हो जाए, वहां पर आपको नॉट लेस देन, यह ख्याल रखिएगा, नॉट लेस देन 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से हवा की वेलोसिटी आपको, हवा की गति आपको वहां पर मेंटेन करना है, नॉट लेस देन है बेटा, ख्याल रखिए क्या बोला, नॉट लेस देन 1 मीटर पर सेकंड। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक भैया है माइनिंग सरदार, कई बार हम क्या करते हैं माइनिंग सरदार से माइनिंग सरदार का भी काम करा लेते हैं, 60 फरारों का काम करा लेते हैं, तो कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, तो जो अपना प्ली में जाता है बोलता क्या करे माई बाप, ढेर सारा ना काम दे दिए था, वो करा लिए एक्सीडेंट हो गया, नहीं हमारे में तो होता नहीं, हम बहुत सजग आदमी है। इसीलिए डीजीएमएस ने एक सर्कुलर के माध्यम से एक चीज बताया, क्या बताया कि यदि कोई माइनिंग सरदार को 60 फरार का काम कब देना और कब नहीं देना है, यदि बोलता है कि 30 या उससे अधिक, क्या बोला 30 नहीं बोला बेटा, टिप्स टू अंडरस्टैंड स्टेचुटरी प्रोविजन वाला मेरा वीडियो देख लीजिएगा, स्टेचुटरी प्रोविजन को समझने में क्या क्या प्रॉब्लम आता है नहीं आता है वहां बताया है, ठीक है। इफ 30 और मोर पर्सन, कितना बोला,
यदि 30 या उससे अधिक आदमी अंडरग्राउंड में किसी माइनिंग सरदार के अंडर में है तो उस माइनिंग सरदार को शॉट फायर का काम नहीं दिया जाएगा, यह बोलता हूं। ठीक है, कुछ नहीं है। अच्छा, लोकोमोटिव, इसके बारे में कई बार बताया, हम बताए होंगे कि बेटा हॉलेज रोड का, हाल रोड का, हॉलेज अंडरग्राउंड में बोलते हैं, ओपन कास्ट में हाल रोड बोलते हैं, क्या चीज है। ठीक है, हाल का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना, मटेरियल को बाहर निकालना, माइंस और कुछ नहीं होता, इसलिए हाल बोल रहा है, हाल हॉलेज से ही हॉल बना है। ठीक है, तो हॉलेज जो आपका हॉल रोड होता है ओपन कास्ट में, उसका ग्रेडियंट कितना बोलता है, नॉट मोर देन 1:16। ठीक है, यही ना बोलता है, नॉट मोर देन 1:16। ठीक है, अब लोकोमोटिव कितने ग्रेडियंट पे चलाना है, तो एक कम कर देना, तो 16 बोला ना, तो एक कम किया कितना हो गया, 15। ठीक है, बोल रहा है, तो नो लोकोमोटिव शैल बी यूज वेयर द ग्रेडियंट ऑफ ट्रेन एक्सीड्स 1:15। 1:15। अच्छा, नेक्स्ट लेते हैं। कई बार क्या होता है, आग लग जाता है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो गया, तो हम आग को बुझाने का पहले प्रयास करते, यदि नहीं बुझता, आग का बहुत बड़ा फैलाव हो गया, तो क्या करेंगे हम, उस डिस्ट्रिक्ट को सील कर देते हैं। क्या करते हैं, सील कर देते हैं। सील कैसे करते, आइसोलेशन स्टॉपिंग। आइसोलेशन स्टॉपिंग का मतलब होता है अलग कर देना, पृथक कर देना। आइसोलेशन स्टॉपिंग बोलिए या फायर स्टॉपिंग बोलिए, एक ही बात होता है। अब एक बच्चा बोला सर आइसोलेशन स्टॉपिंग समझ आया, डैम्स समझ नहीं आया। ठीक है, अरे फायर डैम्स मतलब वही चीज हुआ। ठीक है, कुछ नहीं है, तो हमने सील तो कर दिया, तो क्या जिंदगी भर के लिए सील कर दिया, नहीं। जब सील कर दिया तो हवा जाना बंद, तो आग बुझ जाएगा। तो फिर उसके असेस करने के कंडीशन हम बताए हैं रीओपनिंग वाले जो मेरा प्लेलिस्ट में, कि ऑक्सीजन 1% या उससे कम होना चाहिए, वो आपका जो आइसोलेशन स्टाफ है उसका टेम्परेचर जो है नॉर्मल होना चाहिए, अंदर से एयर सैंपल भी लेते हैं, उसमें नारायण एथिलीन टेस्ट भी करते हैं, बहुत सारे टेस्ट करते हैं, उसमें जो है हमको पॉजिटिव सिग्नल मिलना चाहिए, तो हम रीओपनिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो रीओपनिंग करने जा रहा हूं, मेरे सब फेवरेट कंडीशन अंदर में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, उस जो सील्ड पैनल है उसको रीओपन करूंगा, तब ना कोयला निकालूंगा, सबको सीले कर दूंगा, मैं माइन कहां चलाऊंगा। तो रीओपनिंग करना है, तो रीओपनिंग करना है तब हमको क्या करना होता है, रीओपनिंग के टाइम पर 30 दिन पहले, कितना दिन बोल रहे, 30 दिन पहले, 30 डेज बिफोर, हमको चीफ इंस्पेक्टर माइंस एंड रीजनल इंस्पेक्टर माइंस दो आदमी को रीओपनिंग के लिए कितना बोले बाबू, गुड्डू सूत गया, कितना जो बोला, दो आदमी, चीफ इंस्पेक्टर माइंस एंड रीजनल इंस्पेक्टर माइंस को 30 दिन पहले नोटिस देंगे। नोटिस कौन देंगे भैया, ओनर एजेंट और मैनेजर, कितना दिन पहले, 30 दिन पहले, किसको किसको दिया, चीफ इंस्पेक्टर माइंस एंड रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। मैं जनरली CIM RIM लिखता हूं, या जगह कम दिखा CIRI लिख दिया, समझ जाना, चीफ इंस्पेक्टर एंड रीजनल इंस्पेक्टर। ठीक है, तो नेक्स्ट को लेते हैं। हाँ बाबू, PPE का नाम सुना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसमें क्या आता है, आपका सिर में लगाने वाला एक टोपा आता है, ये वाला नहीं रे बाबा, वो माइंस में पहनने वाला बाबा राहुल, ठीक है, वो हेलमेट जिसको टेक्निकली हेलमेट बोलते हैं, पैर में पहनने के लिए फुटवेयर जिसको जूता बोलते हैं, शूज बोलते हैं, ठीक है, और आंख में लगाने के लिए गॉगल्स जो वेल्डर वेल्डर के लिए आता है, ठीक है, और हमारा इलेक्ट्रिशियन भाई के लिए हाथ में पहनने वाला हैंड ग्लव्स आता है, केबिल मैन जो केबिल हैंडल करता है उनके लिए हैंड ग्लव्स आता है, ये नाक में डस्ट ना घुस जाए इसके लिए डस्ट रेस्पिरेटर आता है, दीज आर द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, तो इनको कब दिए जाएंगे, रेस्पिरेटर कब देते हैं, डस्ट रेस्पिरेटर 143 में बताए, जाके देखिएगा। ठीक है, सब यही बता देंगे तो फिर बाकी क्या कीजिएगा। हेलमेट शैल बी प्रोवाइडेड, हेलमेट सिर में लगाने वाला हेलमेट कितने दिन में दिया जाएगा, पुराना वाला मत बोल लेना मेरे टाइम वाला, ठीक है, 2017 में चेंज हो गया।
हेलमेट शैल बी प्रोवाइडेड नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स। अब बच्चा लोग 3 साल लिखेगा, फेल नहीं होगा, पास होगा का? अरे का लिखा हुआ, एट इंटरवल नॉट एक्सीडिंग, 240 में लिखा है ये, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स। हेलमेट शैल बी प्रोवाइडेड एट फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल एम्प्लॉयज एट ए इंटरवल नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स। कि 3 साल लिखा, नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स, ठीक है, तो 3 साल नहीं हुए। इसका मीनिंग बताए, टिप्स टू अंडरस्टैंड स्टैट्यूटरी प्रोविजन वाला मेरा वीडियो देखिएगा। ऐसे फिर बोला फुटवेयर भी ना होता है, तो फुटवेयर कितने दिन में देते हैं? नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, 6 महीना नहीं बोल रहा बेटा, नॉट एक्सीडिंग मतलब नॉट मोर देन 6 मंथ में जूता फुटवेयर शूज जिसको बोलते हैं वो देना है, ठीक है। एक चीज कई बार हम बताए होंगे उधर, वो जो रेगुलेशन 154 बताए होंगे वहां पर भी बताए होंगे, ये रेगुलेशन आउटलेट्स वाला उसमें भी बताए होंगे, फिर एक बार बता दे, कोई भी तो जो आउटलेट्स होता है आपका, 2 शाफ्ट है या 2 इंक्लाइन है या कोई 1 शाफ्ट और 1 इंक्लाइन है, ये भी आउटलेट है ना हुआ, ये नहीं कि साफ्ट साफ्ट बोलेगा, जोड़ी नहीं बैठलना है, आउटलेट से मतलब है जोड़ी बैठाने के बोला क्या, 1 इंक्लाइन 1 शाफ्ट भी हो सकता, कोई भी 2 आउटलेट्स, ठीक है, उनके बीच का दूरी नॉट लेस देन 13.5 मीटर 13.5 मीटर रहेगा, और वो जो दोनों आउटलेट्स है उनको जोड़ने के लिए एक रास्ता बनाएंगे, वो रास्ता का ऊंचाई नॉट लेस देन 1.8 मीटर रहेगा और चौड़ाई नॉट लेस देन 1.5 मीटर रहेगा, 1.5 मीटर, ठीक है। यही चीज पूछा कहा है डिस्टेंस, और कहे ऐसा रखते, इसलिए रखते टू प्रिवेंट रिसर्कुलेशन ऑफ एयर, हवा के रिसर्कुलेशन को रोकने के उद्देश्य से ये प्रोविजंस दिया कि 2 आउटलेट जो है 13.5 मीटर से 13.5 मीटर 13.5 मीटर से कम दूरी पर नहीं रहेंगे। कहने का मतलब इससे ज्यादा दूरी पर रखिए ना आपको क्या रोकता, इससे कम पे नहीं रहेगा ये बोलता प्रोविजंस, ठीक है, ताकि रिसर्कुलेशन ऑफ एयर के चांसेस नील हो जाए, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन 2 आउटलेट्स ब्लैंक मीटर क्या बोलता है, नॉट लेस देन, ऐसा ना सिंबल रहता है, नॉट लेस देन सिंबल है, नॉट लेस देन 13.5 मीटर 13.5 मीटर एंड शैल बी कनेक्टेड विद वॉकेबल पोसेस, ऊंचाई कितना बोला नॉट लेस देन 1.8 मीटर और चौड़ाई नॉट लेस देन 1.5 मीटर, ठीक है। एक और चीज पूछा हमने, एग्जामिनेशन ऑफ ट्रेवलिंग रोडवे, टीआर मतलब ट्रेवलिंग रोडवे, आपका जो महाधमाका 1 है उसको जाके देखिएगा, ट्रेवलिंग रोडवे को हमें बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया हूं और वहां एक फार्मूला दिया हूं SLHRP, उससे आपको इस रेगुलेशन को कैसे याद रखा जाए वो बताया हूं। कहां बोला, CIL रिक्रूटमेंट प्लेलिस्ट में महाधमाका 1, ठीक है। एग्जामिनेशन ऑफ ट्रेवलिंग रोडवे, जो हम जिस अंडरग्राउंड में जिस रास्ता से हम आते जाते हैं उसका एग्जामिनेशन होना चाहिए कि नहीं, परीक्षण होना चाहिए कि नहीं, जांच होना चाहिए कि नहीं, एग्जामिनेशन मतलब क्या होता है, जांच परीक्षण, ठीक है। तो कितने दिन में करना है, ठीक है, कितने दिन में करना है, तो आपको ये लिया कहां से हमने, ये लिया, ये बीच में जो ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं आज के दिन में, ये इसका रेगुलेशन नंबर नहीं है, मतलब इस चीज को बताते बताते इसको भी मुझे बताना है, क्योंकि बोलते बोलते कई बार दिमाग से स्लिप ना हो जाए, इसलिए लिख के रख रहा हूं, इसका ये रेगुलेशन नंबर कदापि नहीं है, ठीक है, ब्रैकेट में यहां जो भी आज मैं लिख रहा हूं आज के लिए बता रहा हूं। एग्जामिनेशन ऑफ ट्रेवलिंग रोडवे ये कहां से लिया है, एक रेगुलेशन 99 है, 99 एग्जामिनेशन हॉलेज एंड ट्रेवलिंग रोडवे करके, तो वहां क्या दिया है, वहां दिया है कि जो भी हॉलेज रोड है आपका, ट्रेवलिंग रोडवे है, उसको ओवरमैन आर अदर कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा हर 7 दिन में कम से कम 1 बार जांच किया जाएगा। हम यहां 1 टूल लिए क्योंकि बच्चा लोग पूरा पढ़ के जाता, कहीं बीच से उठा के दे दिया तो भूल जाते, इसलिए हम कोई भी ऐसा पूछ सकते हैं आपको या कोई एग्जामिनर पूछ सकता है, एग्जामिनेशन ऑफ हॉलेज रोडवे वंस इन और बाय
किसके द्वारा बोला, ओरमैन आर अदर कॉम्पिटेंट पर्सन, ठीक है। तो अदर कॉम्पिटेंट पर्सन में कभी भी आपका ओरमैन से नीचे नहीं आएगा, उसके ऊपर वाला आएगा, ठीक है, जिसे असिस्टेंट मैनेजर हो गया, ठीक है। एग्जामिनेशन ऑफ टेम्परेंट रोडवे एंड हार्लेज रोडवे वंस इन एवरी 7 days बाय ओरमैन आर अदर कॉम्पिटेंट पर्सन। ऐसा ही एक और रेगुलेशन है जो यहां हम ब्रैकेट में नहीं लिखे, रेगुलेशन 75 पीरियोडिक एग्जामिनेशन ऑफ साफ इंक्लाइन अदर आउटलेट्स, उसका भी ये सेम क्राइटेरिया है, सेम बात याद रखना। 99 और 75 में एक ही बात दिया है, क्या दिया है कि जितने भी आउटलेट है, साफ है, इंक्लाइन है, एडिट है या कोई अन्य आउटलेट आपने बना के रखा है, तो उसका एग्जामिनेशन ओरमैन या अदर कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा हर 7 दिन में एक बार किया जाएगा। हम जितना यहां लिख रहा बोले ना, उससे ज्यादा बोलते चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट को लेते हैं, तो ये लिया एग्जामिनेशन ऑफ सब्सिडेंस। बेटा सब्सिडेंस का भी मेरा एक प्लेलिस्ट है, जाके आप देखिएगा चैनल में, एग्जामिनेशन ऑफ सब्सिडेंस। इसी सब्सिडेंस को आपका रेगुलेशन बोलता है एनी ग्राउंड ब्रोकन बाय एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल, ठीक है। कोयला के एक्सट्रैक्शन करने से जो ग्राउंड टूट गया उसको सब्सिडेंस बोलता है आपका रेगुलेशन, उसके लिए हम वर्ड लिख दिए सब्सिडेंस, ठीक है। एनी ग्राउंड ब्रोकन बाय एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल, तो कोयला के एक्सट्रैक्शन करने से डिक्लेयरिंग कर दिया तो क्या हो गया, सब्सिडेंस हो गया, ग्राउंड टूट गया। तो ग्राउंड टूट गया तो उस टूटा कि नहीं टूटा उसका एग्जामिनेशन करना है, ठीक है। उसका क्या करना है, एग्जामिनेशन करना है, और वो किस रेगुलेशन के तहत करना और कितने दिन में करना है, ये दो आप ये भी सब भेजे हम, आप रेगुलेशन के प्लेलिस्ट में जाके रख सकते हैं, सीआईएल रिक्रूटमेंट प्लेलिस्ट में भी होगा। रेगुलेशन 135 136 ये एग्जामिनेशन ऑफ सब्सिडेंस वाला जो बात है, ये रेगुलेशन 135 का है, किसका है, 135 का है, सब रेगुलेशन 6 कितना है, 135 का सब रेगुलेशन 6 है। वो क्या बोलता है कि टॉप ऑफ ऑल एंट्रेंसेस टू अ माइन, मतलब जो भी आपके साफ्ट इनक्लाइन एडिट है उनका टॉप, ठीक है, और ऑल ओपन कास्ट वर्किंग एंड एनी ग्राउंड ब्रोकन बाय एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल शैल बी इंस्पेक्टेड और एग्जामिन्ड बाय ए कॉम्पिटेंट पर्सन वंस इन एवरी 7 days, वंस इन एवरी 7 days, हर 7 दिन में एक बार एक कॉम्पिटेंट पर्सन जांच करे। तो वो कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होगा, दैट कॉम्पिटेंट पर्सन इज माइनिंग सरदार, जो मेरा पार्ट 61, 62, 63 है सीआईएल रिक्रूटमेंट प्लेलिस्ट में, उसको भी देखे, कौन होगा, माइनिंग सरदार होगा। ऐसा ही एक और रेगुलेशन है आपका अंडरग्राउंड प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर रेगुलेशन 136, उसका सब रेगुलेशन 7, इसके लिए भी 135 6 के लिए और 136 7 के लिए कॉम्पिटेंट पर्सन विल बी अ माइनिंग सरदार। 136 7 में क्या बोलता है, ऑल अनयूज्ड वर्किंग्स कनेक्टेड थ्रू वॉकेबल इंट्रेंसेस which is not permanently closed are sealed shall be examined by a competent person once in every 30 days. इसमें कितना दिन है, 30 दिन है, by a competent person. 136 7 में कहीं के लिए करना है, for illicit distillation of liquor. कई बार क्या होता है, वो अवैध रूप से लोग दारू शराब बनाने का काम करता है बंद खदान में, इसीलिए अनयूज्ड वर्किंग का भी आपको 30 दिन में एक बार जांच कर लेना, नहीं तो क्या होगा, अंडरग्राउंड माइंस है, कोयला भी है, आग भी लग सकता है, गैस होगा तो एक्सप्लोजन भी हो सकता है। इसीलिए 136 7 क्या बोलता है, ऑल अनयूज्ड वर्किंग कनेक्टेड थ्रू वॉकेबल पैसेज नॉट परमानेंटली closed shall be inspected or examined by a competent person once in every 30 days for signs of illicit distillation of liquor, ये बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, हाँ बाबू ये बताइए कोल फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसके लिए दो थियोरी है,
एक है डिप्ट थियरी और एक इंसुटू थियरी है, ये भी मेरा जियोलॉजी के प्लेलिस्ट में कभी फुर्सत में देखिएगा, अभी छोड़ दीजिए ठीक है। तो इंडिया में किस थियरी के अनुसार कोयला बना है, किस थियरी के अनुसार बना है? हाँ चंदा बेटी बोली ठीक है, डिप्ट थियोरी के अनुसार बना है। किसके अनुसार बना है? डिप्ट थियरी। और जो ग्रेट ब्रिटेन है जिसको हम इंग्लैंड बोलते हैं या यूके बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम, वहां जो कोयला बना है वो किस थियरी के अनुसार बना है? इंसुटू थियरी के अनुसार बना है। इंडिया की बात करो, इंडिया में, मेरा देश इंडिया ना है जी, भारत, तो मेरे भारत देश में कोयला किस थियरी के अनुसार बना है? डिप्ट थियरी के। डिप्ट में क्या होता है? कुछ नहीं, यहाँ पेड़ पौधा सब थे, इंसान थे, कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी हुआ तो क्या हुआ, ये धस गया और ये जाके लो लाइंग एरिया में जाके जमा हो गया, वो गला सड़ा नहीं और वो जाके दब गया, और उसके बाद क्या होगा, फिर पानी बरसात रहेगा एक के बाद उसके ऊपर परत चढ़ते जाएगा मिट्टी का, और वो दबता गया तो उसका अपना वेट है जो चीज दबा है, प्लस ये जो स्ट्राटा का वेट रहा, उस वेट के चलते मतलब प्रेशर बढ़ा और पृथ्वी के अंदर दब गया, तो क्या हुआ, टेम्परेचर भी बढ़ते चले जाता, जियोथर्मल ग्रेडिएंट बताए थे, तो टेम्परेचर और प्रेशर के चलते पेड़ पौधा या कोई जानवर इंसान दबा होगा, तो ये बना हुआ है कोयला कार्बन से, तो वो कार्बन जो था उससे वो कोयला में कन्वर्ट हो गया, ये बोलता है, मतलब उसी के जहां पर था वहीं पर नहीं धसा, जहां पर था वहीं धसा, वहीं दब गया, वहीं कोयला बन गया, उसको इंसुटू थियरी बोलते हैं। ड्रिफ्ट में बह करके ड्रिफ्ट हुआ मतलब हट गया वहां से, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है, वो ड्रिफ्ट थियरी। तो ड्रिफ्ट थियरी से मेरे देश में कोयला बना है, मतलब आपका भी देश यार एक के ने बात है, ठीक, आगे चलते हैं। स्प्लाइस्ड रो कैन बी यूज्ड इन, अरे यहां हमने ऑप्शन दे दिया आपको, वाइंडिंग, डायरेक्ट हालेज, एंडलेस हालेज। डायरेक्ट हालेज में ऐसा खींचते हैं बेटा पूरा टेंसर के साथ, जो लगा के क्या बोलते हैं, रोप लगा के लोड गाड़ी को खींचते हैं। और स्प्लाइस्ड क्या होता है? स्प्लाइसिंग अप्रोच जानते हैं बेटा, कुछ नहीं, रस्सी टूट जाता उसको जोड़ देते हैं, वैसे ही चीज को स्प्लाइसिंग बोलते हैं। लेकिन यहां पर स्प्लाइसिंग का भी तरीका दिया हुआ, मेथड दिया हुआ है, लेकिन कुल मिला के वो टूटा हुआ चीज को जोड़ा गया है, तो टूटा हुआ चीज को जोड़ा है रोप को, तो उसका स्ट्रेंथ रहेगा क्या ज्यादा? नहीं रहेगा। तो डायरेक्ट में यूज करेंगे क्या, पूरा ग्रेडियंट में खींचते? नहीं करेंगे। और जो आपका वाइंडिंग है जिसमें मटेरियल ऊपर नीचे केज से या स्किप से करते हैं, उसमें करेंगे क्या? वो तो खुल जाएगा, टूट जाएगा, फिर से करेंगे? नहीं करेंगे। तो वाइंडिंग में नहीं करेंगे, डायरेक्ट हालेज में नहीं करेंगे, एंडलेस हालेज में करेंगे। एंडलेस हालेज कहीं चलता है, लेवल में चलता है, इसके ऊपर कोई लोड ज्यादा नहीं रहता है, तो टूटे फटने का डर नहीं रहता है, और यदि हो भी गया तो उससे बहुत बड़ा कोई एक्सीडेंट होने की संभावना नहीं रहेगी, और उसका भी चेकिंग होता है ना, ठीक है, आगे। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी, FOS लिखा मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ हॉलेज रोप, हॉलेज रोप का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना रखते हैं, और उसको रिकेपिंग ऑफ हॉलेज रोप कितने इंटरवल पर करते हैं, ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ हॉलेज रोप, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ वाइंडिंग रोप, इसको हमेशा याद रखिएगा। वाइंडिंग रोप का होता है नॉट, कितना बताए थे, 10 बताए थे ना, ठीक है, वैसे ही हॉलेज, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ हॉलेज रोप नॉट लेस देन 8, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होगा, नॉट लेस देन 8, और वाइंडिंग रोप का कितना बताए थे, नॉट लेस देन 10, ठीक है, और रिकैपिंग ऑफ हॉलेज रोप कितने महीने में करते हैं, वंस इन एवरी 6 मंथ 8 शॉर्टर इंटरवल, या इससे कम समय पर भी कर सकते हैं, लेकिन 6 महीने में तो आपको करना ही करना है, ये बोलता है। रिकैपिंग क्या होता है, कभी आपने रोप देखा, और रोप जहां रोप का लास्ट एंड होता है और उसको जो आपका टब के डीलिंग से फंसाते हैं, वहां पर देखिएगा केपिंग रहता है, क्या रहता है, केपिंग रहता है, वो उसके अंदर उसको क्या करते हैं, हम तरीका बताए थे रेगुलेशन में कि व्हाइट मेटल गर्म करके उसके अंदर पोर करते, फिर उसको गर्म करते और
पोर कर दिया, उसके अंदर वायर आपका डाल दिया और व्हाइट मेटल से उसको सील कर देते ताकि केपिंग और रोप एक दूसरे के साथ इंटीग्रल पार्ट बन जाए, ठीक है। तो वो वाला जो पोर्शन है वो झटकाता है, झुटकोता वही ना पड़ता है, तो क्या होगा, कमजोर हो जाए। इसलिए बोलता है कि 6 महीना में एक बार फिर से रिकेपिंग कर देना है, ठीक है, और जरूरत पड़ा यदि हमको लगा तो उसे शॉर्टर इंटरवल में कर सकते हैं। अब आए बात नॉइस की, नॉइस किसको बोलते हैं, अनवांटेड साउंड को हम नॉइस बोलते हैं। कई बार देखे डीजे कैसा बजता है, धाम धाम धाम, जो कि हमारे कान को सुनने के लिए नहीं चाहिए। तो अनवांटेड साउंड को नॉइस नहीं बोलते हैं। साउंड तो चाहिए, हम बोल रहे हैं, यदि बोलेंगे तब ना आप सुनिएगा, लेकिन हम बहुत जोर जोर से बोल रहे तो आपको सुनाई वो नहीं करेगा, समझे नहीं आएगा, वो आपके कान को दुख देगा, आपके बहुत सारे ऑर्गेन को दिक्कत पैदा कर देगा, कभी देखेंगे नॉइस का भी। लेकिन CIL रिक्रूटमेंट प्लेलिस्ट में पार्ट 60 जाके देखिएगा, वहां नॉइस का बहुत डिटेल बताइए। हम छोटा सा चीज, ये नॉइस का यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है डेसीबेल, DECIBEL, इसको शॉर्ट में लिखता है डी छोटा बी कैपिटल, ठीक है, और इसको ब्रैकेट में ए लिखता है उसका भी बता रहे। एक साउंड लेवल मीटर होता है, और साउंड लेवल मीटर जो होता है उसमें दो मोड होता है, ए मोड और बी मोड। ए मोड में रख दे तो वो मशीन मानवीय कान की तरह काम करने लगता है, और बी मोड में रख दे तो वो मशीन की तरह काम करता है। तो हमको तो जो साउंड नॉइज मैपिंग करना है, नॉइज का सर्वे करना है फॉर द पर्सन, ह्यूमन बींग के लिए करना है। इसलिए हम जब भी सर्वे करते हैं, नॉइज मैपिंग करते हैं, तो ए मोड में साउंड लेवल मीटर को रख देते हैं। और जैसे हम वजन तोलते हैं तो केजी में बोलते हैं, टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में या डिग्री फारेनहाइट में बोलते हैं, वैसे ही नॉइज को मेजरमेंट करने के लिए हम जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं दैट यूनिट इज डेसीबल, ठीक है। डेसीबल बोलते हैं, कोई डेसीबल बोलता है, जिसको जो बोलना बोलिए, ये लिख देना एग्जाम में, ठीक है। एक हम और ले लें, डेंजर लिमिट ऑफ नॉइज, डेंजर लिमिट ऑफ नॉइज कितना होता है, 90 dBA, ठीक है, और वार्निंग लिमिट कितना होता है, 85 dB A। नो वर्क लिमिट क्या होता है, 140 or more dB A, ठीक है। ऐसा वहां बताया 115 में क्या होगा, 60 इंपल्स होगा तो क्या होगा, 130 में क्या होगा, वहां पर जाकर के देखिएगा। तो आज के लिए ये पार्ट 1 है, SCCL और NTPC के लिए इतना ही रखिए। लंबाई बहुत हो गया वीडियो का, 40 मिनट हो गया लगता है, 37 मिनट हो गया, दूर से हमको उतना ही दिख रहा है। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, और पढ़ाई कीजिए, मेरी ढेर सारी दुआएं शुभकामनाएं। मेरे चैनल में बहुत सारा मटेरियल है, उसको भी जाके देखिए, सिर्फ इतने से सब कुछ नहीं होगा, लेकिन ये अवश्य मदद करेगा, एक बार अवश्य देखिएगा, पूरा कंप्लीट देखिएगा।